गुड इवनिंग, कैसा चल रहा है क्लास? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसा चल रहा है क्लास? बहुत बढ़िया सर। अभी क्या टॉपिक क्या चल रहा है सर? अभी सर डेट का चल रहा है। अच्छा, डेट का सर ट्रेसिंग का चल रहा है। अच्छा, डेट सॉल्यूशन में क्या नया है अब आने वाले टाइम में? जैसे अभी जो क्लास कर रहे हैं उनको क्या नया मिल पा रहा है? सर बहुत चीज है, सर्किट का चेंज है, उसके बाद डायग्राम का चेंज है, मॉडल चेंज होता है, उसके अंदर फंक्शन चेंज है, और जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं। अच्छा जी, उसकी कोडिंग अलग होता है, जो पुरानी की कोडिंग अलग है, नए की कोडिंग अलग है, बहुत से चेंजेस होते हैं। तो अभी कितने दिनों से चल रहा है क्लास? डेट का कितने दिनों से? तो कैसा चल रहा है क्लासेस सर, बताएंगे? बहुत बढ़िया, हम लोग तो रिव्यू लेंगे, बस ऐसे ही हम चले आए लाइव आप लोगों के पास। जी सर। हाँ ठीक है, तो सर आप बताएंगे, जैसे अभी जो लड़के क्लास ले रहे हैं वो किस टाइप का क्लास ले पाएंगे? जैसे पहले से कैसा, पहले से क्या डिफरेंट है? पहली बार क्लास लेता है ना सर, जो फ्रेशर है या फिर जो दुकान भी एक्सपीरियंस भी है, तो वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाता है। अच्छा, यदि ये अभी हम यहाँ पे इसको ट्रेसिंग दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब ये जाकर के दुकान पे करेगा तो उसके बाद इसके पास और भी वाजिबल क्वेश्चन होगा। अच्छा, मतलब कि इतना चीज कर, अगर वो थोड़ा काम करते हैं तो और उनके पास गहराई वाला क्वेश्चन आ जाएगा, गहराई वाला क्वेश्चन होगा। तो यानी कि जितना ये पुराने होते जाएंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन के लिए तो हम बैठे ही है। अब बात बाकी अभी कुछ फ्रेशर होने के कारण और चीप लेवल पहली बार आने के कारण इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। अच्छा, जी जी, उसके लिए थोड़ा उनको भी मेहनत करना पड़ता है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, इसमें बता सकते हैं कितने लोग हैं जो 4-5 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं? अच्छा, 2, 2, 4 और 3 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं वो लोग टोटल, मतलब पहले से रिपेयर कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? टोटल हाथ उठाइएगा जरा, पहले से काम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग का क्लास कैसा चल रहा है? अच्छा, तो पहले जो काम कर रहे थे तो अब क्या लग रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? चलिए ठीक है, आप लोगों से रिव्यू लेंगे, अभी तो क्लासेस बाकी है। कितना दिन क्लास हो गया आप लोगों का? आज कौन सा डेट है कोई बता सकते हैं? क्योंकि ये अभी वीडियो आने वाला है। 23 यानी आज क्या कुछ बोल रहे सर? आज 23 है सर। हाँ, और ये क्लास का ये 17 तारीख से क्लास चला था हमारा, तो आज 23 है और इसमें डेट का आज दूसरा दिन है। अच्छा, डेट का दूसरा दिन, कि हम बेसिक से लेकर के क्लास चले थे, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायग्राम, उसके बाद अभी डेट सोल्यूशन चल रहा है। अच्छा, इसके बाद भी डेट का हमारा UFI चलेगा, EG चलेगा, EG ZX चलेगा। चले कोई नहीं दोस्तों, आप जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो अच्छा, हमारे साथ एक पुराने स्टूडेंट भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आप कब क्लास करके गए थे? नवंबर में आया था। अच्छा, नवंबर में आए थे जी। तो अभी सर से बात हुई थी आते समय, तो उन्होंने क्या बोला, मतलब अभी आते समय सर से बात हुई थी क्या आने के लिए? नवंबर से ही यहाँ से बेच करने के बाद लगातार सर के संपर्क में ही था मैं, और फोन पे काफी फॉल्ट फाइंडिंग भी इन्होंने मुझे बताई जो कि मैंने करी, और अभी जो नई कुछ टेक्नोलॉजी आई है फोन के अंदर। अच्छा, तो उसके लिए आप आए हैं? उसके लिए सर से मैंने बात की, सर ने मुझे बोला कि आप सेम डे में आ जाइए, कभी भी आ जाइए जी। तो आने से क्या लाभ हुआ आपको? बहुत ज्यादा लाभ हुआ सर, क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अच्छा, अभी जो नए फोनों में जो आ रही है वो सीखने को भी मिला है, और उसके पहले जो मुझे कुछ डाउट्स जो थे लगभग वो भी सेटिस्फाई हूँ मैं, क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, 6 महीने पहले जो कोर्स करके गए थे तो उससे आपको आपको क्या क्या लाभ हुआ था, मतलब अपने बिजनेस में कितना लाभ हुआ था? बिजनेस में काफी लाभ हुआ था, पहले काम छोटे लेवल पे काम करते थे, सर के संपर्क में आने के बाद में चीप लेवल में भी उतरे, फॉल्ट फाइंडिंग में भी काफी सुधार हुआ, सॉफ्टवेयर संबंधित भी काफी इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा, तो अभी फिर दोबारा जो क्लास कर रहे हैं इसके लिए कितना पैसा दिया आपने? यहाँ पैसा AK इन्फो एक ईमानदार इंस्टीट्यूट है,
यहाँ पे बेईमानी का कोई ऑप्शन नहीं है, सारे फॉल्ट सारी टेक्निक स्पष्ट और क्लियर रूप से यहाँ पे बताई जाती है। समझना और सुनना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उस काम को कितना सीख रहे हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी तो इसके लिए कोई पैसा आपने नहीं दिया ना? कोई पैसा यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजली का कोई खर्च या मेंटेनेंस का 1000-2000 लिया हुआ आपको? चाय और कभी कभी नाश्ता भी है ना, एके इन्फो की तरफ से हमको दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो स्टूडेंट जो थोड़े असमंजस में है या थोड़ी बहुत कमी है उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए जो लोग होपलेस जो हो चुके हैं कि अब मैं काम नहीं करूंगा या सर ने मुझे बताया मैं समझ नहीं पाया, या कई लोगों को ऐसी सोचने की एक विचारधारा है कि नहीं सर ने सही नहीं पढ़ाया, 100 में से 1-2 लोग तो ऐसे होंगे ही। हाँ हाँ, मैं उन सभी स्टूडेंट से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है या पहले की जो बेच में आप आए थे सेटिस्फाई नहीं है, इस बार आप आइए सर से अच्छी तरीके से बात कीजिए, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सर के सामने आप रखिए और उन डाउट्स को क्लियर करके अपने घर पे जाइए। अच्छा, उसका कोई भी अतिरिक्त शुल्क एक इन्फो नहीं लेता है, ना मुझसे लिया है ना आप उन स्टूडेंट से भी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा, आपके साथ एक और मित्र आए हैं ना? वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और विगत 2 घंटे पहले वो यहाँ से हरियाणा के लिए निकले। तो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम भी लेके आए थे या कुछ सॉल्यूशन आपने किया हो? कुछ डेड हैंडसेट में लेकर आया था जो कि मुझे फॉल्ट फाइंडिंग में बड़ी परेशानी आ रही थी, डाउट्स जो थे वो यहाँ पर और भी क्लियर हुए हैं। और भी क्लियर हुए हैं। तो इस तरह आप जब भी प्रॉब्लम हो तो आते रहेंगे ना? आपको क्या लगता है कि आने में कोई परेशानी नहीं है ना, या यहाँ बैठने में कोई परेशानी हुई हो? अभी सुधीर सर के द्वारा भी सभी स्टूडेंट को बताया गया था यहाँ पर एक हाईटेक क्लास चालू होने वाली है। हाँ हाँ, बहुत ही हाई लेवल का, और उसमें 2 सीट रहेंगे। 2 सीट का मतलब हो गया लगभग 4 ऐसे सीट रहेंगे जो गेस्ट सीट रहेंगे, यानी कि हमेशा वो रिजर्वेशन में रहेगा, खाली रहेगी। हाँ, वो खाली रहेगा। स्टूडेंट आना चाहते हैं तो हाईटेक क्लास में फ्री ऑफ चार्ज आ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हमारा अभी 40 स्टूडेंट का सीट है जो उसमें 44 करेंगे, और 4 स्टूडेंट जो हम बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ गेस्ट के लिए बढ़ाएंगे, यानी हम उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। उसमें एक असमंजस हमारे पास रहता है कि कोई आए उनको बैठने को मिला कि नहीं मिला, तो वो हम गेस्ट सीट रखेंगे, उस पर नाम ही लिखा रहेगा हमारे ओल्ड स्टूडेंट गेस्ट सीट। तो अच्छा, आप लोग बताइए कैसा लगता है कि कोई पुराने स्टूडेंट 6 महीना पहले करके गए वो आए दोबारा, तो कैसा लग रहा है? आप लोग में से कोई बताएंगे? मिल रहा है सीखने। अच्छा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यहाँ बढ़िया जगह आया, अगर चले भी गए यहाँ से तो इन फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन होगी तो आगे हम क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग का भी ईमानदारी से यही रहता है प्रश्न कि 100 में से 1 ऐसे बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए तो वो बेहिचक आ सकते हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, सुजीत सर को डायरेक्ट कॉल मिलाएं और वो आ जाए। क्या सर? जी सर कई बार ये होता है कि सर कुछ बच्चे जाते हैं तुरंत उस लेवल का ज्ञान, मतलब उस तरह का रिपेयरिंग नहीं आता उनको। अच्छा, जैसे दुकान पे गया, कुछ लेट हो गया दुकान खोलने में, कोई 1-2 महीने लगा दिया, दुकान खोल नहीं पाया, डायग्राम ले नहीं पाया, या उस तरीके के उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो वो थोड़े थोड़े दिमाग से स्किप होने लगता है। तो और जब हम यहाँ पे दुकान पे बैठ करके काम करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है परेशानी आने लगता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे रिक्लास ले सकते हैं। बाद बाकी हमारा जूम का भी क्लास चलता है, वहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम यहाँ आ करके लाइव आप यहाँ पे देख कर सकते हैं बैठ के, तो वो भी आ सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली में कोई ना कोई काम रहता ही है, गफार में कोई ना कोई काम रहता है, उस बहाने आप अगर 1-2 दिन के लिए आ जाए तो उसका फायदा डबल मिलेगा। आते भी रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी हफ्ते में कितने बच्चे आ जाते हैं मिलने के लिए आपसे? आते कम से कम 10-12 तो आ ही जाते हैं सर हफ्ते में। जी जी, तो आप लोग देखते भी होंगे पुराने स्टूडेंट को जो जिनका फोन आता है सर के पास, तो सर क्या कैसा सपोर्ट देते हैं पुराने बच्चों को? तो इससे आपका भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा कि अपना बिजी सर, सर इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद फिर भी सर फोन उठाते हैं, जो पुराने स्टूडेंट यहाँ से गए हुए हैं उनका फोन उठाते हैं, उनको आंसर करते हैं, तो देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम भी यहाँ से जाते हैं तो हमारे पास बैकअप सुजीत सर के रूप में बहुत बढ़िया तैयार है। बहुत बढ़िया तैयार है, बिल्कुल कुछ भी हमें नीड पड़ेगी तो सुजीत सर हमारे लिए हमेशा एनी टाइम खड़े हैं। सर सुजीत सर खुद कहते हैं कि आप कभी भी फोन करो मेरे को, यहाँ से जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन उसी टाइम।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे तरफ से तो आपको जरूर, आपको ये श्योरिटी रहेगा कि आपको जब भी आपको कभी भी मौका लगे कि हाँ दिल्ली जाना चाहिए तो जरूर आइए, आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। AKT हो या AKINFO हो, सुजीत सर हो, सभी लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग बैच को, सॉरी एरिया को बड़ा कर रहे हैं। हालांकि सीट इतना ही बड़ा, इतना ही रहेगा, लेकिन लोगों को ना एक जगह मिलेगा, लॉकर मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें भी 4 सीट हम रिजर्व कर रहे हैं अपने पुराने स्टूडेंट के लिए, वो 4 हमेशा बुक रहेगा गेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद सर, ओके।